एक अरसा हुआ खबर तक लेने नहीं आया, बड़ा आया था ज़िंदगी भर का साथ देने। मजबूत रहो, ज़िंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती। किसी से बदला लेने का मज़ा दो चार दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहता है। इसलिए माफ़ करना सीखें, क्योंकि अल्लाह भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। दो चीज़ें कम अकली की दलील है, एक तो बोलने के मौके पर खामोश रहना और दूसरा खामोश रहने के मौके पर बोलना। वक़ाफ़ात अमल का सिलसिला बहुत वसी है, यह नस्ल दर नस्ल चलता है। इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। ये किसी के साथ किए गए जुल्म व सितम का नतीजा होता है और वक्त नहीं लगता बाजी पलटने में। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसे जीतकर लोग तोड़ देते हैं। जब आप किसी पर अंधा यकीन करते हैं तो वो साबित कर देता है कि आप वाकई अंधे हैं। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाता है। दुआ करते रहा करें, अल्लाह सीन भी करता है और रिप्लाई भी करता है। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़ुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे अखलाक वाला कोई नहीं था।